हीरो आपको अच्छे लगते हैं, कौन से हीरो? सलमान खान। देश के रक्षा मंत्री कौन है? सभी सम्माननीय गणों का यहाँ पदार्पण हो चुका है, मोदी। और 26 जनवरी किस लिए मनाया जाता है? आज के दिन आजाद हुए थे। आज के दिन आजाद आजाद हुए थे ऐसा कहना है। देखिए आज के दिन क्या हुआ था? आजाद। क्यों मनाया जाता है 26 जनवरी? खुशी के लिए। खुशी के लिए। आज समूचा देश जो है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का पावन पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कि गोबरा नौपारा में जो कि यहाँ पे पूरा जो है आज प्रभात फेरी निकाली गई है और बच्चों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है इस राष्ट्रीय पर्व को लेकर। तो यहाँ पे राष्ट्रीय पर्व में जो बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं वो शांत रहेंगे क्या? तो यहाँ पे हम आज के इस पर्व के बारे में बच्चों से जानेंगे कि ये पर्व उनको मनाकर उनको कैसा लग रहा है। जी आप बताएं, आप कौन से विद्यालय से हैं और आज का पर्व आपको कैसा लग रहा है? हम लोग आत्मानंद से हैं। हाँ। आज का पर्व बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ। आज हमारे स्कूल में स्पीच है। अच्छा अच्छा। और झंडा ध्वजा। अच्छा, ध्वजारोहण हुआ है। यस सर। और भी कुछ बच्चे हैं उनसे जानना चाहेंगे। जी आप कौन से क्लास में हो? और सर मैं 11th क्लास में। जी चलते जाएं। हाँ हाँ। आज के जो 26 जनवरी के विषय में आज के विशेष आपके विद्यालय में क्या होने वाला है? सर बहुत सारा हुआ। हाँ। अभनपुर विधानसभा के विधायक जी आएंगे अभी। अच्छा अच्छा। और हमारी प्रिंसिपल मैम ने पहले ध्वजारोहण किया। अच्छा, अब धनंजय साहू जी करेंगे। अच्छा। अभी हम गांधी चौक से भी आ रहे हैं। अच्छा अच्छा। वहाँ ध्वजारोहण करके। क्यों मनाया जाता है 26 जनवरी, इसके बारे में आप कुछ को जानकारी है क्या? सर आज के दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश हुआ था 26 जनवरी 1950 में। बिल्कुल बिल्कुल। बाई फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा। ये देख सकते हैं आप बच्चों जो कि आत्मानंद के बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं। इन्हें पूरी जानकारी है कि आज के दिन हमारे संविधान का निर्माण हुआ था और आज के दिन से ही लागू हुआ था। सन कौन सा बताए थे आप? सर 1950। 1950 को हमारा संविधान जो है लागू हुआ था 26 जनवरी को। तो आज के दिन से ही यह पर्व राष्ट्रीय पर्व के रूप में पूरे देश भर में मनाया जाता है। और भी कुछ बच्चे हैं बारी बारी से सभी बच्चों का। जी आप कौन से क्लास में हो बिटिया? सिक्स क्लास में हो। आज का यह पर्व आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? शांत रहेंगे। यहाँ पे और आते जा रहे हैं। कौन से क्लास में हो? 10th। क्यों मनाया जाता है 26 जनवरी? क्यों मनाया जाता है? अरे क्यों मनाया जाता है बेटा? यहाँ पे डरना नहीं, आप में आत्मविश्वास होनी चाहिए। क्यों मनाया जाता है 26 जनवरी? हमारे खुशी के लिए। हमारे खुशी के लिए। ये देखिए इनके खुशी के लिए मनाया जाता है, ऐसा कहना है। भारत माता की जय। ये देखिए बच्चों में क्या है, क्यों जिंदाबाद। क्यों मनाया जाता है 26 जनवरी? खुशी के लिए। खुशी के लिए। क्यों मनाया जाता है 26 जनवरी? क्योंकि आज ही के दिन संविधान लागू हुआ था। बहुत बढ़िया चाहेंगे। और ये हैं हरिहर के बच्चे, हरिहर के बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं। क्यों मनाया जाता है 26 जनवरी? नहीं पता सर मेरे। क्यों मनाया जाता है जी? क्यों मनाया जाता है 26 जनवरी? देश की आजादी के लिए। देश की आजादी के लिए बताना है कि देश की आजादी के लिए 26 जनवरी मनाया जाता है। बारी बारी से जाना। क्यों मनाया जाता है 26 जनवरी? इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। बहुत बढ़िया, ताली बजाओ एक बार। तो ये बच्चे जो हैं देखिए आप थोड़े अतरंगी टाइप के हैं और इन बच्चों को बहुत ही कम बच्चों को मालूम है। क्यों मनाया जाता है 26 जनवरी? मजे के लिए। आज के दिन ना भारत में आजाद हुए। ये आजाद हुए बता रहे हैं आज के दिन। कई बच्चों को मालूम है और कई बहुत से बच्चों को ये मालूम नहीं है कि आज 26 जनवरी किस लिए मनाया जाता है। आज के दिन के बारे में जानकारी का अभाव है कहीं ना कहीं। ये शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली एक प्रकार से इसमें पूर्ण रूप से दोषी देखने को मिल रहा है। और भी कुछ बच्चे हैं, बारी बारी से सभी बच्चों को हम पूछेंगे। क्यों मनाया जाता है गणतंत्र दिवस? नहीं पता। नहीं पता। क्यों मनाया जाता है? संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू हुआ था। कौन से सन में लागू हुआ था? सन 1950 में। वेरी गुड वेरी गुड, एक नंबर। बहुत से बच्चों को मालूम है। और भी कुछ बच्चे हैं, बारी बारी। अच्छा आप कौन से क्लास में हो? 11th C। 11th C में। क्यों मनाया जाता है 26 जनवरी? ये देखिए बहुत से बच्चों को ये मालूम नहीं है, बहुत से बच्चों को ये मालूम नहीं है कि जो है आज के दिन संविधान जो है लागू हुआ था। जी प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? मेरे आप क्यों बता रहे हो यार?
और भी कुछ बच्चे हैं, हम इन लोग से जानना चाहेंगे कि आज क्यों मनाया जाता है और किस लिए मनाया जाता है। जी बताओ, कौन से क्लास में हो? ट्वेल्थ क्लास में हूँ। ट्वेल्थ क्लास में हो। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे हमारे देश के? हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये जवाहरलाल नेहरू बता रहे हैं। और भी कुछ बच्चे हैं, हम इन लोगों से जानना चाहेंगे कि आज के विषय के बारे में आज क्या हुआ था। देखिए बच्चों, कौन से क्लास में हो जी? टेंथ। टेंथ क्लास में हो। 26 जनवरी किस लिए मनाया जाता है? आज के दिन आज़ाद हुए थे। आज के दिन आज़ाद? आज़ाद हुए थे, ऐसा कहना है। देखिए आज के दिन क्या हुआ था? आज़ाद। आज से संविधान लागू हुआ था। क्या हुआ था जी आज के दिन? 26 जनवरी में क्या हुआ था आज के दिन? संविधान लागू हुआ था। क्या हुआ था जी? कहीं ना कहीं बच्चों में जानकारी का अभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जी बताएं, आप कौन से क्लास में हो? टेंथ। टेंथ में हो। क्या है एनसीसी में आज क्या होने वाला है आप लोग का? आज हम लोग का परेड होगा, अतिथि आएंगे, वहाँ से हम लोग इधर से परेड करते करते जाएंगे, सैल्यूट मारेंगे जी, उधर से आके फिर से इधर खड़े होंगे। यहीं पे खड़ा हो जाओ, बहुत बढ़िया। जी आप कौन से क्लास में हो? टेंथ। टेंथ में हो। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे हमारे? प्रथम राष्ट्रपति कौन से क्लास में हो जी? नौवीं। नौवीं में। प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे प्रथम देश के? देश के प्रथम प्रधानमंत्री? देखिए इधर पूछो, ऐसे अनुशासन अगर होनी चाहिए तो सीधा नहीं पता, अगर आपको नहीं पता तो सीधा बोल दो हमको पता ही नहीं है, इधर पूछो इधर पूछो, उल्टा मुल्टा जवाब नहीं देना चाहिए, अगर नहीं है तो नहीं है। जी बताओ, है जानकारी है आपको? क्या प्रधानमंत्री कौन थे देश के पहले? पंडित जवाहरलाल। वेरी गुड, ताली बजाओ एक बार यार। आप कौन से क्लास में हो? नाइन्थ। सी। सी में हो। शिक्षा मंत्री पता है आपको? छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री? नहीं पता। छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री? नहीं पता सर। देश के रक्षा मंत्री? नहीं। देश के रक्षा मंत्री? देश के गृह मंत्री? सलाम परिवार। देश के गृह मंत्री? ये देखिए बच्चों में जो है जानकारी का बिल्कुल अभाव है, जो सामान्य ज्ञान इनको जानकारी होनी चाहिए वह सामान्य ज्ञान की जानकारी। कौन से क्लास में हो जी? टेंथ में। टेंथ में। देश के रक्षा मंत्री कौन है? सभी सम्मान्य यहाँ पदार्पण हो चुका है, मोदी। और देश के रक्षा मंत्री ये आप कौन हो? आर्यन भरद्वाज। आर्यन भरद्वाज, यहाँ पे जो खड़े हो इनका लीड कर रहे हो आप? मैं CHM। CHM है। और देश के रक्षा मंत्री इनको नहीं मालूम तो मैं आपको बता दूं, देश के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। ठीक है, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए, आप NCC के छात्र हैं तो आपको जानकारी होनी चाहिए। हमारे साथ आत्मानंद विद्यालय के कुछ बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बहुत क्यूट क्यूट बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, और आज 26 जनवरी का पावन पर्व है। जैसे कि आप लोगों ने आगे वीडियो में देखा कि कुछ बच्चों में जो देखा जा रहा है जानकारी का अभाव कुछ सामान्य ज्ञान को लेकर, और कुछ बच्चे में बहुत ही अच्छी जानकारी देखने को मिला है। और भी हमारे साथ, कौन से क्लास में हो जी? टू में। क्लास 2। क्लास 2 में हो। आपका शुभ नाम क्या है? तोहिद और अदनान और अमन, तीन नाम। तीन नाम है जी? यस। ये कैसे हुआ? तीन नाम है मेरे। अच्छा, तीन नाम है। अच्छा, कौन टू में हो? आपके कौन टीचरों का क्या क्या नाम है बताएंगे क्या? अर्चना मैम और सर का निखिल सर। कौन सा हीरो आपको अच्छे लगते हैं, कौन से हीरो? सलमान खान। अरे सलमान खान, ताली बजाओ यार। अच्छा, सलमान खान कैसे अच्छे लगते हैं? वो बहुत ताकतवर है और स्मार्ट दिखते। अच्छा, आप भी स्मार्ट हो यार, आप भी ताकतवर हो। अच्छा अच्छा, आपको जो है कोई गीत याद है क्या? गीत वगैरह सुना सकते हैं क्या? या कुंडा। हाँ सुनाओ। या कुंडे तू सारा जावा भवोना, या सुसजा सारा। ये तो सरस्वती वंदना आप सुना रहे हैं है ना? कोई गीत सुनाओ ना यार, कोई अच्छा सा गीत, फिल्मी गीत याद है क्या? कोई फिल्म का गीत या हो, या फिर कोई देशभक्ति गीत सुना दो। आज क्या है, आज 26 जून, कोई देशभक्ति गीत सुनाओ ना यार, कोई अच्छा सा। अरपा। हाँ चलो सुनाओ, अरपा पेरी। अरपा पेरी के धार महानदी है, अपार इंद्रावती है, पखरे तोर पैया माऊ पावे परम तोरे भुइया, जय हो छत्तीसगढ़ मैया, जय हो छत्तीसगढ़ मैया।
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए बच्चे बहुत एक बार ताली बजा यार सभी। तो आज का यह ग्राउंड कवरेज आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं, साथ ही अधिक से अधिक संख्या में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और आपको पुनः जो है गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, आपका जीवन उज्जवलमय और सफल हो। मैं हूं नागिन निषाद और आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ ग्राउंड न्यूज़।